हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी मैथ सोलह में। आज की वीडियो के अंदर अपन प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। यदि आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपने पास में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर चौथे का एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है 5 और 2x + 2y इक्वल टू दे रखा है 10। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से इसका क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं हल ज्ञात। पहले देखते हैं कि संगत है या असंगत है। तो मैं यहाँ पर इस समीकरण को देखूँ तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर 2y है। यहाँ मैं दो को कॉमन निकाल लूँ तो क्या आता है, 2 को बाहर निकाला तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ से इस 2 को इधर लेकर जाऊँगा तो ये डिवाइड के अंदर आएगा तो 2 × 5 = 10 क्या आया, एक्स प्लस वाई बराबर 5, जो कि है फर्स्ट समीकरण के बराबर। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इस 5 को इधर लेकर आऊँगा तो −5 = 0। सेम ऐसी ही ये समीकरण हो जाएगी, ये फर्स्ट हो गई, एक्स प्लस वाई −5 = 0, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब संगत है या असंगत है इसका किस प्रकार से पता करेंगे अपन। व्यापक समीकरण क्या होती है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर तुलना करते हैं अपन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इनकी तुलना करते हैं। यदि ये तीनों बराबर होते हैं तो क्या होती है, एकाई संपाति होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये संपाति है या नहीं है। तो यहाँ पर a1 1 a1 1, b1 भी कितना है 1 और c1 कितना है −5, a2 कितना है x का गुणा दूसरी समीकरण में 1 है, b2 भी कितना है 1 और c2 −5। यहाँ पर यदि अपन अनुपात देखते हैं तो a1/a2 = 1/1 = b2/b1 b1/b2 = 1/1 = c1/c2 = कितना −5/−5, आपस में कैंसिल आउट होकर कट के क्या हो जाएगा 1/1। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ पर ये क्या है, तीनों चीज़ें बराबर है। तो मतलब यहाँ पर इस जो दो समीकरण हैं अपने पास में x + y = 5 और 2x + 2y = 10, ये क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। और इनसे जो रेखाएं बनेगी वो क्या करेगी, एक के ऊपर एक होगी, मतलब संपाती होगी। रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी, संपाती है। ठीक है, अब इसको ग्राफी विधि से हल करना है अपने को। तो यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे अगर अपन, यह होता है क्वाड्रेशन, यानी कि चार टाइप होते हैं। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्स, इसको एच डैश एक्स और इसको वाई डैश एक्स। आपको पता होगा कि यहाँ पर यह होता है मूल बिंदु और इधर होता है पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6, इधर ऊपर होता है 1 2 3 4 5 6। इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है x एक्सिस पे −1 −2 −3 −4। सेम ऐसा ही नीचे होता है −1 −2 −3 −4 −5। ठीक है, कुछ इस प्रकार होते हैं। ये होता है एक ग्राफ। अब ग्राफ पेपर आपको मार्केट में मिलता है, तो यदि आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपका चित्र अच्छी प्रकार से बनेगा और सुंदर दिखेगा। ठीक है, सुंदर दिखने के साथ में आपको क्या होगा, परफेक्ट तरीके से समझ में भी आ जाएगा किस प्रकार अपने को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, समीकरण नंबर फर्स्ट से ले अगर अपन इसको ले अगर x + y = 5, तो यहाँ पर अपने को एक बॉक्स बनाना है, x और y की वैल्यू, दो वैल्यूज ज्ञात करेंगे अपन, x = 0 पर यहाँ पर इसको 0 रख देंगे +y = 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यदि y = 0 रखता हूँ मैं तो x = क्या आ जाएगा, x + 0 = 5, तो x =
5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। सेम, ये दोनों समीकरण सेम है तो वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी दोनों समीकरणों के लिए। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर है, 0 कहाँ पर है, 0 यहाँ पर है 5, तो ये हो रहा 5, x बराबर 0 पर 5 पर यहाँ पर पहला बिंदु मिल गया अपने को 0 5। y बराबर x बराबर 5, x बराबर 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है 5 पे, y का मान कितना है 0, तो ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर 0 यहाँ पर आ रहा है, तो ये आ जाएगा 5 0। अब इसको अपन स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब सेम समीकरण अपने पास में दोनों क्या है, सेम है, तो अगली रेखा भी इसी के ऊपर प्राप्त होगी। यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये संपाती हो जाएगी, और इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, मतलब इस रेखा पर जितने बिंदु आएंगे वो सभी बिंदु इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। आई होप कि आपकी चीज़ समझ आई होगी। चलिए अब अपन इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का दूसरा। अब हमारे पास है यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन, चौथे का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है 8 और 3x-3y इक्वल टू दे रखा है 16। तो ये अपने पास में दो समीकरण है, तो इसको अगर अपन आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस का 8 इक्वल टू 0, इस 8 को उठा कर इधर लेकर आ गए अपन, ठीक है। तो ये हो गए समीकरण। अब इनकी ये इसको समीकरण फर्स्ट नाम दिया अपन ने, और इसकी तुलना करते हैं यदि अपन व्यापक समीकरण से, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर ए वन बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1, बी वन बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का 1, और सी वन इक्वल टू माइनस का 8, ठीक। इसी प्रकार इस समीकरण को दूसरे समीकरण को मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पर 3x-3y इस 16 को उठाकर इधर लेकर जाएंगे तो इधर पॉजिटिव, इधर आते क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया अपन ने। अब समीकरण नंबर 2 का भी अपन तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से, क्या करेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, तो यहाँ पर ए टू बराबर क्या आ जाएगा, एक्स का गुणांक क्या है दूसरे समीकरण में 3 है, बी टू वाई का गुणांक क्या है माइनस का 3, और सी टू कितना है यानी कि अचर पद कितना है माइनस का 16, ठीक है। अब तुलना करते हैं ए वन अपॉन ए टू, तो यहाँ पर ए वन कितना है 1 है, 1/3 इक्वल टू किसके होना चाहिए, बी वन अपॉन बी टू के, तो यहाँ पर बी वन कितना है माइनस का 1, और बी टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया 1/3 इक्वल टू है क्या C1/C2, C1 कितना है माइनस का 8, तो माइनस का 8/C2 कितना है माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल आउट 8 × 8 × 8 = 16 कितना आ गया 1/2। यहाँ पर देखो आप ध्यान से तो 1/3 = 1/3 नॉट इज इक्वल टू 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हल क्या होता है, असंगत होता है, असंगत रेखाएं समांतर हैं, समांतर होगी। यदि अपन इन दोनों समीकरणों से यदि बराबर रेखाएं खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, समांतर हो जाएगी और एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेगी, अर्थात इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा और ये संगत समीकरण युग में नहीं है, क्या है, असंगत समीकरण नहीं युग में, समीकरण युग में है। तो इसका सॉल्यूशन तो यहीं पर आ गया कि यह समीकरण असंगत है और इनका कोई हल नहीं होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब अपने पास में इसकी तीसरी समीकरण, तीसरे क्वेश्चन से चौथे का, तो यहाँ पर देखो 2x+8y-6 = 0 दे रखा है, तो उसको मैंने समीकरण में फर्स्ट नाम दिया। अब यहाँ पर इस समीकरण में थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, यहाँ पर देखो सभी के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 को बाहर निकाल लूँगा तो क्या हो जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 2 को बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया 2x, यहाँ पर क्या बच गया माइनस वाई, यहाँ पर क्या बच गया माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर इस 2 को उठाकर इधर लेकर जाऊँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास में 2x-y-2 = 0। तो उसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब व्यापक समीकरणों से तुलना करने पर क्या हो जाएगा A1/A2, A1 कितना है यहाँ पर 2, B1 y का गुणांक क्या है 1, और C1
एचआर पद क्या है पहले समीकरण के अंदर माइनस का सिक्स, ए टू कितना है दूसरे समीकरण में देखो एक्स का गुणांक क्या है टू, बी टू कितना है वाई का गुणांक कितना है माइनस का माइनस वन, और सी टू, सी टू कितना है एचआर पद कितना है माइनस का टू। अब तुलना करते हैं ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू का मतलब दो अपॉन दो कितना या वन आ गया, बी वन अपॉन बी टू, बी वन अपॉन बी टू, वन अपॉन माइनस का वन इक्वल टू क्या आ गया माइनस का वन, सी वन अपॉन सी टू, सी वन अपॉन सी टू, सी वन क्या है यहाँ पर माइनस का सिक्स है, और सी टू कितना है माइनस का टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट दो तीया छः कितना आ गया सी वन अपॉन सी टू थ्री। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, वन नॉट इज इक्वल टू माइनस वन नॉट इज इक्वल टू थ्री, मतलब यहाँ पर तीनों ही क्या आ गया बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे समीकरण में क्या है संगत है, समीकरण युग में संगत है, संगत है, और रेखाएं क्या हो जाएंगी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और इनका क्या होगा अद्वितीय हल होगा। चलिए अब इसको ग्राफ के अंदर भी दर्शाते हैं अपन, तो समीकरण कितनी है कौन सी है पहले अपने पास में 2x प्लस y माइनस का 6 इक्वल टू 0, इससे बनाएंगे अपन पहले, तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं अपन एक्स वाई, ठीक है। यदि मैं x बराबर 0 रखता हूँ, x बराबर 0 रखता हूँ तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा। यदि मैं y बराबर 0 रखता हूँ, y बराबर यदि मैं 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x बराबर 6 ये 14 हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 बाई टू इक्वल टू 3, क्या आ गया x की वैल्यू 3, ठीक है। अब इसको इस पर दर्शाते हैं अपन ग्राफ के अंदर, तो पहला बिंदु क्या है 0 6, 0 कहाँ पर है ये 0 6 कहाँ पर है यहाँ पर, ये हो जाएगा 0 6, ठीक है। इसके बाद में x का मान कितना है 3 यहाँ पर, और y का मान 0 यहाँ। तो दोस्तों यदि आप इसको स्केल की सहायता से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हो तो एकदम परफेक्ट सीधी आएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार अपन को क्या करना है दूसरी समीकरण है, दूसरी समीकरण से भी इसी प्रकार बना लेना है, तो बनाते हैं दूसरी समीकरण कहाँ पर है 2x - y - 2 = 0, 2x - y - 2 = 0, ठीक है। यहाँ से भी अपन एक बॉक्स बना लेते हैं, इधर बनाते हैं एक्स और वाई, ठीक है। पहली बार में एक्स बराबर 0 रखूँगा, क्या है यदि मैं पहली बार में एक्स बराबर 0 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पूरा पद 0 हो जाएगा, 2x 0 हो जाएगा माइनस का वाई माइनस 2 = 0, तो यहाँ पर माइनस का वाई इक्वल टू 2, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2, या वाई बराबर क्या आ गया दोस्तों माइनस का 2। अब इसी प्रकार यदि मैं वाई बराबर 0 रखता हूँ, वाई बराबर 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा 2x - 2 = 0, तो यहाँ पर 2x = 2 और x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में दो वैल्यूज मिल चुकी है, अब इसको अपन इस ग्राफ के अंदर दर्शाते हैं, तो क्या हो जाएगा x बराबर 0 कहाँ पर है ये रहा, इस पर माइनस का 2, मतलब y को नीचे देखना पड़ेगा माइनस का 2, तो कहाँ पर आएगा ये यहाँ पर आ गया एक बिंदु, ठीक है। अब 0 माइनस का 2, दूसरा है एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 0, एक्स बराबर 1 कहाँ पर है यहाँ पर, और वाई बराबर 0, वाई इससे ऊपर से देखेंगे तो 0 यहीं पर मिलेगा वाई का मान। अब यहाँ से अपन यदि एक रेखा ड्रॉ कर दी तो ये कहाँ पर काट रही है, रेखाएँ कहाँ पर काट रही है यहाँ पर बिंदु 2 और 3 पर, क्या काट रही है 2 और 3 पर। यदि अपन इसको परफेक्ट तरीके से यदि ग्राफ के अंदर बनाते हैं तो यहाँ पर कुछ और भी आ सकता है, तो यहाँ पर देखते हो 2 और 3 पर आ गया, तो ये जो 2 और 3 आया एक्स और वाई की वैल्यू x = 2 और y = 3, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या करेगी दोनों समीकरण है इनको संतुष्ट करेगी, और क्या हो जाएगा दोस्तों अद्वितीय हल हो जाएगा, ऐसा ही आपके समझ आ गया होगा। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब अपने पास में इसका चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो 2x - 2y - 2 = 0 दे रखा है 0, और 4x - 4y - 5 = 0 दे रखा है। अब यहाँ पर
इनकी व्यापक समीकरणों से तुलना करते हैं तो ये पहली समीकरण इसको समीकरण फर्स्ट, इसको सेकंड नाम दे दिया। तो यहाँ पर वन में क्या है, ए वन बराबर, ए वन में एक्स का गुणा कितना है, दो है। बी वन, बी वन कितना है, बी वन इक्वल टू वाई का गुणा पहले समीकरण में कितना है, माइनस का टू। और सी वन, सी वन कितना है, यहाँ पर अचर पद कितना है, माइनस का दो। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण से भी तुलना करते हैं व्यापक समीकरण से, तो ए टू बराबर एक्स का गुणा कितना है, फोर। बी टू बराबर, बी टू क्या है, वाई का गुणा क्या है दूसरे समीकरण में, माइनस का फोर। और सी टू, सी टू अचर पद कितना है, माइनस का फाइव। अब यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू की तुलना करके देखते हैं, तो ए वन अपॉन ए टू कितना आ रहा है, दो अपॉन चार। वन दो एकम दो, दो दूना चार, तो वन बाई टू आ गया। ठीक है, इसी प्रकार बी वन अपॉन बी टू, बी वन अपॉन बी टू का मतलब माइनस का टू अपॉन माइनस का फोर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दो एकम दो और दो दूना चार कितना आ गया, वन बाई टू। और सी वन अपॉन सी टू, सी वन अपॉन सी टू, सी वन कितना है, माइनस का टू, और सी टू कितना है, माइनस का फाइव। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टू अपॉन फाइव। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू कितना आ रहा है, वन बाई टू, जो कि बराबर है किसके, बी वन अपॉन बी टू के, लेकिन बराबर नहीं है सी वन अपॉन सी टू। अर्थात यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू के, लेकिन बराबर नहीं है सी वन अपॉन सी टू के। अर्थात जो यहाँ पर समीकरण अभी युग्म है ना, ये दोनों क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म है। और यहाँ पर रेखाएं क्या हो जाएगी, रेखाएं समांतर हैं, वह हल कोई नहीं है, कोई हल नहीं है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।